आज के दिन मैं आपको जिस रिचुअल के बारे में बताने वाला हूं वो एक्चुअली हर कोई नहीं कर सकता। अब आप सब लोगों में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों। आप सब लोगों ने कभी ना कभी ये चीज नोटिस करी होगी, जब आप पहली बार कोई नई जगह पर जाते हैं या फिर आप कोई नई जगह शिफ्ट होते हैं और आप सब लोगों को कहीं ना कहीं से अगर पता चलता है कि जहां पर आप रह रहे हैं उस जगह की बैड हिस्ट्री है, तो क्या ये चीजें एक्चुअली सच है या नहीं? आप कैसे पता कर सकते हैं? हो सकता है ये सारी की सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ एक अफवाह हो। बस इसी चीज को कंफर्म करने के लिए कई सालों से इस रिचुअल को परफॉर्म करा जा रहा है। बहुत सारी कंट्रीज इस रिचुअल को एक्चुअली यूज करती हैं इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए कि कहीं जो चीजें उन्हें बताई जा रही हैं वो सारी चीजें असली ना हो। ओके, तो आप समझ चुके होंगे इस जगह पर आप लोग इस रिचुअल को कब परफॉर्म कर सकते हैं एंड कब नहीं। सबसे मेजर रीजन इसको परफॉर्म करने का मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन जो इसके बाद का जो सेकेंडरी रीजन है, जो कि टीनेजर्स सिर्फ और सिर्फ इसलिए परफॉर्म करते हैं ताकि उन्हें एक नई चीज डिस्कवर करने का मौका मिले, मैं आपको बता दूं ऐसा करना आपके लिए शायद पूरी जिंदगी भर के लिए एक स्कार बन के भी रह सकता है। मैं आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन ये चीज सच है। मैं आपको आगे इंसिडेंट्स बताऊंगा, लेकिन अभी के वक्त मैं आपको पहले स्टार्ट करना चाहूंगा एक्चुअली इस रिचुअल को परफॉर्म कैसे किया जाता है। अब इस रिचुअल की सबसे खास बात यही है कि ये रात और सुबह कभी भी परफॉर्म किया जा सकता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा आप के स्लीपिंग पैटर्न से। अगर आप आफ्टरनून में एक दो घंटे की नींद लेते हैं तो देन आप इसे दोपहर को भी परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रात की नींद लेना प्रेफर करते हैं तो आपको इसे रात को ही परफॉर्म करना होगा। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा आप इसे रात को ही परफॉर्म करें, क्योंकि अगर दोपहर के वक्त आप किसी भी रीजन से उठते हैं और इस रिचुअल का ब्रेक होना मतलब आपने अपनी जान खुद उसके हाथ में रख दी है। वेल, वो कौन अभी आपको धीरे धीरे और आगे पता चलेगा। अब चूंकि आप वक्त डिसाइड कर चुके हैं, मैं इस रिचुअल को रात के हिसाब से ही बताना चालू करूंगा। आप पूरा का पूरा अपना काम करिए और मेक श्योर आप आज की रात अपना दरवाजा लॉक करेंगे, आप लाइट्स बिल्कुल बंद करेंगे, फोन आप स्विच ऑफ करेंगे, आप सारे के सारे रूम में एक चीज नोटिस करेंगे, आपके पूरे के पूरे रूम में कोई भी जगह ऐसी नहीं होनी चाहिए जहां से लाइट आ रही हो। लाइट का कोई भी सोर्स नहीं होना चाहिए। आप उसके बाद अपने बेड पर जाएंगे, आप अपनी पिलो को इस बार साइड कर देंगे, आपको अपने बेड पर जाकर रिलैक्स पोजीशन में बिल्कुल सीधा लेटना है, आपको अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा फ्री छोड़ देना है एज इफ आप जिस पर लेटे हैं एक्चुअली वो आपका बेड नहीं बल्कि वो बादल है। आप अपने आप को रिलैक्स फील करिए और उसके बाद आपको इस पूरे के पूरे रूम को उस तरीके से इमेजिन करना है कि जब आप इस रूम में पहली बार आए थे तब वो कैसा था। आपको वो सारी की सारी चीजें अपने दिमाग में सोचनी होंगी जो चीजें आपको बताई गई थी जब आप इस रूम में आए थे। यानी कि आपको फॉर एग्जांपल बाहर के सोर्सेस से ये पता चला था कि आप जिस रूम में सो रहे हैं और जिस पंखे के नीचे आप सो रहे हैं
उस पंखे से कोई लटक कर अपनी जान दे दिया था, आपको वो पूरा का पूरा सीन हकीकत में इमेजिन करना है। मैं समझ सकता हूँ, ये बहुत ही ज्यादा नॉर्मल एग्जांपल था, आप लोग जिस चीज को इमेजिन कर रहे होंगे शायद वो और भी ज्यादा वर्स्ट हो, लेकिन आपको अपने डर से लड़ना होगा अगर आपको जानना है कि एक्चुअली यहां पर क्या हुआ। अब तक शायद 5 से 10 मिनट हो चुके होंगे। अगर आपको अभी भी कुछ अजीब सी चीजें रियलाइज नहीं हो रही हैं, तो शायद आपने इस रिचुअल को अच्छे से परफॉर्म नहीं किया है। आपको और ज्यादा डेटा कलेक्ट करना होगा, आपको और ज्यादा एक्यूरेसी मेंटेन करनी होगी। लेकिन जिन लोगों ने इसको सक्सेसफुली कर लिया, उन्हें एक अजीब सी फीलिंग आ रही होगी, उन्हें एक अजीब सी लाइटनेस महसूस हो रही होगी, और जब आप बेड से उठेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप अपनी बॉडी के साथ नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी सोल के साथ उठे हैं। डोंट वरी, आप नॉर्मली जैसे ही अपने रूम की लाइट्स ऑन करेंगे, आप देख सकेंगे कि आप तो उस बिस्तर पर लेटे हुए हैं। अब आपको लगेगा, अगर मैं उस बिस्तर पर लेटा हुआ हूं तो मैं कौन हूं? डोंट वरी, आप उसी की आत्मा है। अब आप स्पिरिट है, अब आप कहीं पर भी जा सकते हैं, लेकिन इस रूम से बाहर मत जाइएगा। आपको जिस एरिया के बारे में स्पेसिफिकली जानना है, आपको सिर्फ और सिर्फ वहीं तक स्टिक करना है, क्योंकि न मिनट आप उससे बाहर जाते हैं, आपको नहीं मालूम उस रूम के बाहर कौन कौन मिले आपको। अगर आप इतना सक्सेसफुली कर चुके हैं, तो शायद अब मुझे इस बारे में नहीं बताने की जरूरत है आपको आगे क्या करना है। हो सकता है आप जब लाइट्स ऑन करें तो आपको रूम थोड़ा सा शेडोई लगे। हो सकता है जब आप लाइट्स ऑन करें तब वो रूम बिल्कुल वैसा हो भी ना जैसा कि आप उस रूम को अभी तक देखते आए हैं, बिकॉज ये उस वक्त पर आपको लेकर चला गया है जब ये इंसिडेंट हुआ था जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसमें किसी इंसान ने आत्महत्या करी होगी अगर उस रूम में, तो आपको वो इंसान की आत्मा खुद आत्महत्या करते हुए दिखेगी, और इस चीज से हम ये चीज समझ पाएंगे कि एक्चुअली इस रूम में जो कुछ भी हो रहा है वो फेक नहीं है, यहां पर सच में किसी ने अपनी जान दी थी। अगर ये केस मर्डर का है या किसी की यहां पर लाश पाई गई थी, जो कि आपको कंफर्म करना है क्या ये चीज सच में हुई थी, आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस और भी ज्यादा हाई होते जाएंगे। इन शॉर्ट, जितना ज्यादा खतरनाक केस होगा उतना ही ज्यादा आपको रिस्क भी उठाना होगा। और इस पूरे के पूरे रिचुअल को लेकर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज, जो कि मैंने शायद आपको स्टार्टिंग में भी बोला था, आपके लिए जानलेवा हो सकती है। अगर आप अपनी रियल लाइफ में सो रहे हैं और किसी ने आपको आकर उठाया, तो बैड न्यूज, आप नहीं उठ पाएंगे। और वर्स्ट न्यूज, अगर आप उठ गए तो शायद अब आपकी बॉडी में किसी और की सोल है, और जब आप अपने बेड पर जाएंगे अपने वर्चुअल वर्ल्ड में, जहां पर आप अपनी स्पिरिट को देखेंगे, अब आपकी स्पिरिट के पास कोई भी एंट्री रूट नहीं बचेगा। इनफैक्ट वहां पर जहां पर आप लेटे होंगे बेड या व्हाटएवर, आप वहां पर देख सकेंगे अब वहां पर आपकी रियल बॉडी है ही नहीं, क्योंकि जिस बॉडी के साथ आप यहां पर आए थे
अब उस बॉडी पर आपका कोई कंट्रोल नहीं बचा है। अब उस बॉडी पर वो दूसरा एंटिटी राज कर लिया है। तो ये रिस्क हमेशा बना रहता है, इसीलिए सजेस्ट भी किया जाता है कि आप अपनी बॉडी से जितना पास हो सके उतना पास रहें। बड़े बड़े पैरानॉर्मल रिसर्चर्स इस चीज को मानते हैं कि जितने भी पोजेशन के केसेस हुए हैं, या तो उसमें से 50% केसेस वीजा बोर्ड खेलने से हुए हैं, एंड बचे हुए में से 40% केसेस इस रिचुअल को ही परफॉर्म करने से हुए हैं। क्योंकि लोग अपनी बॉडी में से अपनी सोल निकाल तो लेते हैं, लेकिन जब वो उस पर वापस जाने की सोचते हैं, तब शायद उनसे भी ज्यादा पावरफुल स्पिरिट ऑलरेडी उस बॉडी को टेक ओवर कर चुकी होती है, और इस प्रोसेस को रिवर्स करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इस प्रोसेस को रिवर्स करने के लिए भी किसी को इस डायमेंशन में वापस आना होता है। और फिर जिस इंसान ने इस खेल को स्टार्ट किया था, उसे इन सारी की सारी आत्माएं जो भी उस रूम में हैं, उनसे बचकर उसे उसकी बॉडी में और खुद को अपनी बॉडी में डालकर वापस नॉर्मल वर्ल्ड में आना होता है। और इसके पहले का एक्सोर्सिज्म जो कि परफॉर्म किया जाएगा उस स्पिरिट को निकालने के लिए आपकी बॉडी से, जिसने आपकी बॉडी को एक्चुअली एक्वायर करके रखा हुआ है, वो प्रोसेस और अलग। तो आप समझ सकते हैं आपके लिए इस पूरी की पूरी प्रोसेस को सक्सेसफुली परफॉर्म करना कितना ज्यादा मुश्किल होगा। अगर आप सोच रहे हैं आप अभी लेटे हुए इस पूरी की पूरी कहानी / पॉडकास्ट को सुनते सुनते इसे परफॉर्म कर लेंगे, या फिर आप अगर सोच रहे हैं मैं यूं ही रात को लेट कर से परफॉर्म कर लूंगा, तो मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है। एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग विल, रीजन, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ऐसा इंसिडेंट उस रूम में होना ही चाहिए जो इन तीनों की तीनों वाइब्स को बिल्कुल परफेक्टली मैच करता हो, तभी ये एक्चुअली परफॉर्म हो पाएगा। तो मैं आप लोगों को इस रिचुअल को कभी भी परफॉर्म करने का रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, ना ही मैं चाहूंगा कि आप लोग में से कोई भी इसे परफॉर्म करे। ये सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से स्टोरी / रिचुअल है जो मुझे मालूम है, और मैं आपके सामने इसे लेकर आया हूं और आपसे ये शेयर कर रहा हूं। अगेन, मैं इस चीज की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता कि अगर आप ये या फिर इससे कोई भी रेलेवेंट चीज परफॉर्म करते हैं और आपके साथ कुछ भी होता है, तो मैं कोई भी इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगा, क्योंकि मैं बहुत क्लियरली आप लोगों को बोल चुका हूं ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है।